छात्रा फिर से हुआ एक बार शर्मसार। एक नाबालिग को उसके प्रेमी ने ही उतारा मौत के घाट। लड़की के प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिया मर्डर को अंजाम। दरिंदगी का हद किया पार, चाकू से रेत कर ली जान। छात्रा, नाबालिग ग्रैंड मर्डर केस का 24 घंटों के भीतर पुलिस ने किया खुलासा। मृतिका के प्रेमी अनमोल पांडे ने ही पुराने विवाद से नाराज होकर उतारा था मौत के घाट। गांव के ही दो अन्य युवकों ने हत्याकांड में अनमोल का दिया था साथ। घटना के बाद एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने किया खुलासा। कांड में प्रयुक्त खून लगा चाकू, घटना के दौरान अभियुक्त द्वारा पहना गया कपड़ा, मृतिका का खून सना दुपट्टा, मृतिका का टूटा हुआ मोबाइल व कवर, घटनास्थल से खून लगा मिट्टी व अभियुक्तों का विभिन्न कंपनियों का 3 मोबाइल फोन जब्त। हत्याकांड में शामिल दो अन्य आरोपी अमित पांडे और राजदीप पांडे का मृतक के परिवार से चल रहा था पुराना भूमि विवाद। शादी समारोह में शिरकत करने गई युवती को घर से बुलाकर प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। डॉग एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व तकनीकी शाखा के सहयोग से पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। एसआईटी में थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक मनोहर करमाली, एसआई बीना कुमारी व निरंजन कुमार समेत सशस्त्र बल व तकनीकी शाखा के जवान शामिल। चतरा सदर का एक शहर में एक गांव है छोटा सा छुटकी देवरिया, वहां एक युवती 17 साल की रेवती कुमारी उसकी हत्या कर दी गई थी रात में। उसकी माता रुक्मणी देवी के द्वारा फर्द बयान दिया गया कि उनकी बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई है। चूँकि हत्या चुकी की गई थी और घटना जो है बहुत ही संगीन था, पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी में थाना प्रभारी सदर और साथ में वीना कुमारी और यहाँ पे एक पदाधिकारी निरंजन कुमार हैं, साथ में सशस्त्र बल, हम लोगों ने एक टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कार्य किया। टीम के द्वारा सहयोग लिया गया, उसमें टेक्निकल सेल का सहयोग लिया गया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का सहयोग लिया गया और डॉग स्क्वाड का भी सहयोग लिया गया इस कांड के उद्भेदन एवं अनुसंधान में। 24 घंटे के अंदर कांड को उद्भेदित करते हुए इसके सभी मुख्य अभियुक्त जो हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य अभियुक्त अनमोल पांडे के निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त चाकू जिससे इसकी गला रेत के हत्या की गई थी वह खून लगा चाकू को हम लोगों ने बरामद कर लिया गया है। साथ ही इसमें जो प्रयुक्त हुए हैं जो दुपट्टा है वह भी उसको हम लोग जब्त कर लिया गया है। अनमोल पांडे जो वस्त्र पहना हुआ था हत्या करते हुए उसे भी हम लोगों ने सीज कर लिया है। घटनास्थल से खून लगा हुआ मिट्टी भी हम लोगों ने वहां पे जब्त किया है और साथ ही 3 अभियुक्तों के पास से 3 विभिन्न अलग अलग कंपनियों के मोबाइल भी हम लोगों ने जब्त किया है। जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए उसमें मुख्य अभियुक्त हैं अनमोल पांडे, यह रहने वाले बड़की देवरिया के, अमित पांडे और राजदीप पांडे। यह 2 व्यक्ति जो हैं वो इनके गोतिया में हैं। क्योंकि मामला संगीन था, हम लोगों ने जब अनुसंधान किया तो यह बात प्रकाश में आई कि अनमोल पांडे और मृतिका का पूर्व से प्रेम प्रसंग रहा है और बीच में इन लोगों का आपस में विवाद हो गया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो अभियुक्त है उसके मन में यह रोष था। साथ में सहयोग करने वाले जो 2 व्यक्ति हैं राजदीप और अमित पांडे हैं वह उसी गाँव के रहने वाले हैं। इन लोगों का भी आपस में कुछ जमीन विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये लोग भी घटना को अंजाम देने में सहयोग किए हैं। छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के अलावा थाना के पदाधिकारी लोग सम्मिलित हैं। सभी लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और कांड भी दर्ज कर लिया गया। उस दिन हुआ क्या था सर, जिस दिन हत्या की घटना को अंजाम दिया गया? उस दिन दोनों का मोबाइल से बातचीत है, मृतिका का और जो मुख्य अभियुक्त है, और इन दोनों का आपस में मिलने की बात हुई थी और मिल करके दोनों का आपस में कुछ विवाद हो गया, विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। बाकी बातें हम लोग अनुसंधान में ला रहे हैं। सर, गाँव में साधु भी था, शादी का कार्यक्रम था, उसमें 3 शादियां हो रही थी, जो मृतिका है वह शादी में गई थी और वहीं से वो लड़की उससे मिलने के लिए निकल के घटनास्थल पे गई थी लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच। हत्या का मुख्य कारण क्या रहा था सर? मुख्य कारण प्रेम प्रसंग है और कहीं ना कहीं दोनों के बीच आपस का विवाद है।